हमारे गांव में बहुत भारी बारिश के कारण बहुत आपदा आई हुई है। हमारे यहां बहुत से घर डैमेज हो गए और हमारा घर भी पूरा डैमेज हो गया है, रहने लायक नहीं बचा है। हम सोने के लिए डर के मारे पंचायत घर में सोने के लिए जाते हैं और हमारे पास जो थोड़ी सी भूमि थी वो सारी ख़त्म हो गई है और हमें घर बनाने के लिए भी जगह नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से आग्रह है कि हमें जमीन दी जाए घर बनाने के लिए, ताकि हम हम वहाँ रह सकें और अपना आवाज़ वहाँ पे दोबारा अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकें। हमारे पास कुछ भी नहीं है और ना हमारे पास कोई सरकारी नौकरी है बच्चों के पास, हम कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे अपना निर्वाह करेंगे। मेरा हाथ जोड़कर सुखविंदर सिंह सुक्कू के पास अनुरोध है कि हमें मकान बनाने के लिए भी पैसे दी जाए और ज़मीन भी दी जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ भारी वर्षा के चलते भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि क्षेत्र में भारी क्षति हुई है और हमारे घर में काफ़ी दरारें आ चुकी है, जिसके कारण इस घर में रहना सेफ नहीं है और हमें यहाँ काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ रहा है, जिसके कारण हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारी सारी जगह 4 लाइन में चली गई है और रहने के लिए हमारे पास घर नहीं है और कोई अन्य भूमि भी हमारे पास नहीं है जहाँ पे हम नया घर बना सके। तो हम बहुत प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। इसके ऊपर कोई भी सरकारी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अनुरोध है कि हमारी इस स्थिति में ध्यान दिया जाए और हमें आर्थिक सहायता की जाए, ताकि हम अपना बचाव कर सकें और हमारी स्थिति पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ ये स्लाइड होने के बाद एसटीएम घुमारमी प्रधान उप प्रधान मौके पे आए, पटवारी साहब भी साथ में थे। उन्होंने उस दिन सारा इधर मुआयना किया और बाद में हमें चेक के लिए बुलाया गया, बट जब हम स्पॉट पे उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपका चेक कल सुबह दे दिया जाएगा, बट वो चेक आज दिन तक 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी हमें रिसीव नहीं हुआ और ना तो कोई फौरी राहत दी गई, सिर्फ तरपाल दिए गए। और मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से यही निवेदन है कि हमारे पास ना तो रहने के लिए मकान है ना मकान बनाने के लिए ज़मीन है, तो हमारे लिए ज़मीन का कुछ प्रबंध किया जाए और हमें रहने के लिए कुछ व्यवस्था की जाए।